अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि ईद का प्रोग्राम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले तो सभी दोस्तों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि पिछले 2 साल का जो एक बंद लगा हुआ था, बैन लगा हुआ था, खुलकर लोग ईद नहीं मना पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो भी एक 30 लोगों के दिलों में थी। और आज देख सकते हैं आप किस प्रकार से लोग यहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए सढौरा ईदगाह में पहुँच रहे हैं, तो आपको पूरा व्यू यहाँ का दिखाने की कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले आप देख सकते हैं ये इस तरफ दुकानें लगी हुई हैं खेल खिलौनों की, बच्चों के लिए, और खाने पीने के सामान की भी यहाँ पर लोग रेहड़ियाँ लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इनको जगह मुहैया कराई गई है, किसी प्रकार का कोई इनसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये एक खुशी का जो माहौल आप देख सकते हैं लगभग 2 साल के बाद लोगों को मिला है, आपको पूरा व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार लोग यहाँ पर बहुत ही खुशी के साथ पहुँच रहे हैं। कुछ लोगों के साथ बात भी करेंगे, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये गीन मोहम्मद जी हैं हमारे गांव से ही, इनसे ही पूछने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की खुशी महसूस हो रही है इनको। जी, ईद की बार तो 2 साल के बाद ईद मुबारक छिपक से मनाई जा रही है। 2 साल तो नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं आ सके, ईद की बार बहुत खुशी है, सारे इकट्ठे होकर सारा एरिया मिलकर नमाज अदा करागा, तो इसका अल्लाह में अजर ज़्यादा दे, जितनी पब्लिक ज़्यादा होगा इस वास्ते बहुत खुशी है। अब हमारे साथ सालिम भाई हैं, इनसे भी पूछने की कोशिश करें किस प्रकार की खुशी महसूस हो रही है आज ईदगाह में पहुँच कर। आज ईदगाह में पहुँच कर 2-2.5 साल के बाद बहुत खुशी महसूस हो रही है भाई दोस्तों। आज ईद बहुत खुशी का दिन है, आज बहुत खुशी महसूस हो रही है, इसलिए हम ईदगाह में पहुँचे हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए। दोस्तों भाइयों सबको मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद है, सब दोस्तों को भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सालिम भाई, और भी इसी प्रकार से और लोगों के साथ भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो जुल्फान भाई कैसा फील हो रहा है आज आपको ईद की नमाज? अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मेरी तरफ से सभी को ईद मुबारक, और ये बहुत जो भी ईद का त्यौहार है बहुत अच्छा, इस पर कमेटी वालों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, बहुत अच्छी मेहनत की है। और किस प्रकार की खुशी महसूस हो रही है? बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि आज जो है 1 साल के बाद ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, इसमें लोग जो है बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। मेरी तरफ से एक बार फिर सबको ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया इतने जुल्फान भाई, और लोगों से भी इसी प्रकार से हम कुछ मिनटों की बातचीत करने की कोशिश करेंगे, ताकि सभी जो लोग हैं उनकी खुशी एक कैप्चर की जा सके, उनकी खुशी को काउंट किया जा सके, क्योंकि ये 2 साल के बाद इस प्रकार से खुलकर ईद मनाने का जो मौका मिला है। तो जैसे कि दोस्तों आपको बताया गया था कि जैसे ही गेट से एंट्री करेंगे तो लेफ्ट साइड में ये कार पार्किंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की कारें गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और दूसरी साइड में जैसे राइट साइड है गेट की, उस तरफ मोटरसाइकिलों का इंतज़ाम किया गया है, और बहुत ही शानदार, बहुत ही तरतीब के साथ, डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर जो ईदगाह कमेटी के लोग हैं उनके द्वारा ये पूरी व्यवस्था करवाई जा रही है और लगवाई जा रही है। ये अशरफ भाई हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। किस प्रकार की नसीब हो, 2 साल का ऐसा मौका मिला? बहुत अच्छा मौका मिला, जैसा तो कभी भी नहीं देखा जैसा। मानना चाहिए कि बहुत बढ़िया जी, बहुत साथ दे रहे जी, लोग भी बहुत बढ़िया रहे हैं जी, जैसे कह रहे हैं ऐसी कहना मान रहे जी। पार्किंग जैसे कार की पार्किंग करी तो कार पार्किंग लग रही है, मोटरसाइकिल पार्किंग करे तो मोटरसाइकिल पार्किंग लग रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों की आवाजाही है, बहुत बड़े और लोग बड़े ही चाव के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो अब हमारे साथ ताज मोहम्मद जी हैं जो रामपुर से हैं, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की खुशी महसूस हो रही है जिस प्रकार से लोग 2 साल के बाद ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए आ रहे हैं। तो ताज भाई कैसे खुशी महसूस हो रही है? बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है जी, 2 साल के बाद नमाज ईदगाह में अदा करी ना, तो ये देखो आप सारा सिस्टम, बहुत बढ़िया खुशी हो रही है ईदगाह में। तो अब दोस्तों हमारे साथ हैं नसरीन गदौली से, इनसे भी वही सवाल हम बार बार जैसे लोगों से पूछ रहे हैं कि किस प्रकार की खुशी महसूस हो रही है लगभग 2 साल के बाद इस प्रकार का मौका मिला है। तो नसरीन भाई बताइए किस प्रकार की खुशी महसूस हो रही है? खुशी बहुत बड़ी है, 2 साल के बाद मौका मिला और अल्लाह पाक गाड़ी भी ऐसे मौका नहीं दे रहा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देशवासियों को इसी? देशवासियों
बहुत खुशी से मनाई ईद। दो साल बाद त्यौहार मिला, मौका मिला बहुत अच्छे तरीके से इस त्यौहार को मनाए शांति से, और सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया है नसरीन भाई थे जो हमारे साथ बातचीत की। इसी प्रकार से अब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो वहाँ पर सफ़ें लगी हुई हैं ईद की नमाज अदा करने के लिए। तो दोस्तों अब हमारे साथ हैं हाफिज़ यासीन साहब जो सोरा प्रेमनगर मस्जिद में इमाम है, इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की खुशी महसूस हो रही है। जी माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही, आज से पहले कभी ऐसा माहौल नहीं था, माशाल्लाह आज बहुत अच्छा माहौल है। अल्लाह ताला जो है ना अमन सुकून के साथ इससे जो है ना हमें मनाने की ईद को तौफीक अता फरमाए, खुशी खुशी सब मनाएँ और जो है ना और इसके मदद भी ईदगाह की जो है ना मदद वो भी करते जाएँ। लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? लोगों को तो मैसेज ये है कि मतलब आज हमारा जो यहाँ एक फंक्शन है वो बहुत अच्छा ईद का फंक्शन है और सबको जो है ना इसकी खुशी है, जना सबको जो है ना इसकी खुशी है और खुशी का मतलब यही होता है कि मतलब उसे अच्छे तरीके से मनाएं। आज तक ऐसा कभी नहीं यहाँ से हुआ कि इतनी साफ़ सफाई की हुई हो, इतने लोग आए हों। माशाल्लाह आज अल्लाह ने मौका दिया है, जवान जवान बच्चे हैं हमारे जिन्होंने जो है ना ये अपनी एक छोटी सी कमेटी बनाई और इन्होंने इसमें काम किया, करीब 75,000 के करीब इसमें खर्चा आया। अल्लाह ताला जिन लोगों ने इसमें मदद की है अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और उनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया थे इमाम साहब सरोहरा से। दोस्तों इसी प्रकार से रफ़ी भाई कल्याणपुर से हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की खुशी हो रही है जैसे दो साल के बाद अल्लाह पाक ने इस प्रकार का मौका दिया है, एक तरह से लोगों को इकट्ठा होने का जो मौका मिला है, किस प्रकार की खुशी महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बात सलाम कह रहे हैं कि जैसे दो साल से कोविड की वजह से कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत एहतियात बरतना पड़ रहा था और महामारी कोरोना महामारी ने जिस तरह से पूरे विश्व को एक तरीके से पूरी तरह से जकड़ लिया था, तो अब जैसे हालात धीरे धीरे हालात सामान्य हुए हैं तो आम ज़िंदगी एक पटरी पर उतरी है आई है, तो अपना अब सब मिल के इस ईद के मौके पर सब मिल के नमाज अदा करेंगे, मिलजुल के सब इकट्ठा होंगे, तो इससे बहुत बहुत बड़ी खुशी हो रही है और इसके ईद के मुबारक मौके पर हम सबको ईद की बधाई देते हैं। और क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? बस ये एक ईद का जो मैसेज है कि आपसी भाईचारे का, अमन का, शांति पैगाम का और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने का त्यौहार है। हमें सबको जिस तरीके से हम ईद का त्यौहार आपस में मिलजुल के मनाते हैं तो मैं आम जिंदगी में भी इसे हर इंसान से आपस में प्रेम प्यार माहौल और सुख शांति के साथ और आपसी भाईचारे के साथ ऐसे रहना चाहिए और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे रफ़ी भाई जिन्होंने बताया, एक मैसेज भी दिया है लोगों को कि ईद के मौके पर इस प्रकार के मौके होते हैं जिनमें अब हम सब लोगों को मिलकर त्यौहारों को सेलिब्रेट करना चाहिए और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये गुलफान भाई जी हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछना चाहेंगे किस प्रकार की खुशी महसूस हो रही है। हाँ गुलफान, ये हमारा आज ईद का दिन है और इससे बढ़ के हमारे लिए कोई खुशी नहीं है, ये हमारा बहुत बड़ा दिन है, हमने एक महीना रमज़ान का बिताया है तो आज बहुत खुशी है, सभी हमारे भाई ईद में नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा माहौल है। क्या मैसेज देना चाहोगे? यही है कि अपना दीनदारी पे ध्यान दो, नमाज पढ़ो, रमज़ान के रोज़े रखो और अपना सभी भाइयों से मिलजुल के रहो, ये खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया ये तो गुलफाम भाई। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से ये पूरी जगह को कवर कर दिया गया है, इतनी भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दो साल के बाद लोगों को जो मौका मिला है खुलकर ईदगाह में पहुँचने का, उसका उत्साह आप सब देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग जुड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो एक पूरा एरिया यहाँ पर था खाली पड़ा हुआ था उसको पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। तो ये जो लोगों को दो साल का गैप रहा या कोविड की
वजह से लोग ईदगाह में नहीं पहुंच सके ईद की नमाज के लिए, तो अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक वो चक्र भी टूटा है दो साल वाला, अब लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि सडौरा में ही दो अलग जगह पर ईद की नमाज हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी यहां पर आप ये भीड़ देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं एक उत्साह के साथ, क्योंकि जो ईद का मज़ा है वो खुले में ही नमाज का है और उसी को एक सेलिब्रेशन का एक मौका लोगों को मिलता है, आपस में लोग मिलते हैं, उसी के तहत लोग आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो एक बार हम चाहेंगे कि पूरा जो व्यू है, पूरा जो भीड़ है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे पूरी तरफ से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, खुतबा हुआ, पहले ईद की नमाज हुई और उसके बाद अब खुतबा हो चुका है। खुतबा होने के बाद लोग अपने घरों को लोग जाने लग चुके हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा जो माहौल था ये आप सब ने देखा दोस्तों कि कितनी खुशी लोगों के अंदर थी, क्योंकि दो साल के बाद इस प्रकार का मौका मिला है। तो उम्मीद करते हैं आइंदा भी इस प्रकार के मौके मिलते रहेंगे। तो जो जिस इमाम साहब ने यहाँ पर ईद की नमाज अदा करवाई है उसके साथ भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की खुशी है, क्या मैसेज वो देना चाहते हैं। तो आप लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हैं एक खुशी लोगों के अंदर है, उस इमाम साहब से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आराम से देखो कितने समझाए, फिर भी देखो है आराम से, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी को तकलीफ आराम से, प्यार से, कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस इमाम साहब ने ईद की नमाज अदा कराई है, लोग उनके साथ मुसाफा करने के लिए किस प्रकार का हुजूम लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। तो जिस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों कि लोगों में खुशी का माहौल है, उत्साह है, उसी के मद्देनज़र हम दोस्तों बातचीत करेंगे परवेज भाई से कि किस प्रकार से आप लोगों के हुजूम को आंकते हैं, किस प्रकार की खुशी आप देख रहे हैं, क्योंकि दो साल के बाद लगभग ये इस प्रकार का मौका मिला है कि खुलकर लोग अपने इस ईद के त्यौहार को, ईद को आप सेलिब्रेट कर सकें। तो परवेज भाई से जानते हैं किस प्रकार की खुशी आप देख रहे हैं। भाई सबसे पहले तो सभी इलाका वासियों को ईदगाह कमेटी सडौरा की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और भाई 3 साल के बाद तकरीबन अब ईद की नमाज़ हुई है, इंशाल्लाह सभी के दिलों में बहुत खुशी है और सभी इलाका वासी बहुत खुशी हैं, सभी मुसलमान बहुत खुश हैं और सबको अमन का और भाईचारे का पैगाम है हमारी तरफ से कि हम सब मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाएँ, यही हमारी शुभकामनाएं है। तो जिस प्रकार से आपने व्यवस्था की थी, क्या लोगों ने उसका पूरा पालन किया? जी हाँ, देखो 500 उंगलियाँ देख जैसी नहीं होती हैं, लेकिन तकरीबन सभी ने माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छे से व्यवस्था को कायम रखा और सब ने बहुत ही अपनी सूझबूझ का मुजाहरा किया है, कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक। हाँ, जिस प्रकार की भीड़ यहाँ पर मौजूद थी उसको कंट्रोल करना एक बहुत ही बड़ी बात है, कही जा सकती है दोस्तों। लेकिन फिर भी जो ईदगाह कमेटी के मेंबरान थे उन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था सेटअप की थी, एक डिसिप्लिन उन्होंने कायम करने की पूरी कोशिश की और जिसके तहत ये ईद का जो समारोह था, ईद की जो नमाज थी वो संपन्न हो चुकी है। लेकिन सबसे दुखद जो बात लगी है दोस्तों, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई पुलिस का अधिकारी नज़र नहीं आया, कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं था, जो एक दर्शाता है कि किस प्रकार की प्रशासनिक ढील है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि आगे किसी इस प्रकार के फंक्शन में पुलिस प्रशासन अपना सहयोग देगा और भी जो हमारा प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ऐसे प्रोग्रामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार की भीड़ है, ऐसी भीड़ में
असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी लोग थे सब ने अपने अपनी एक सूझबूझ का परिचय दिया और बहुत ही सादे ढंग से यहाँ पर जो कार्यक्रम था वो संपन्न हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ से भीड़ किस प्रकार से छंट चुकी है। और ये मेरे पास कुछ पैसे आए हैं इमाम साहब की खिदमत के लिए, वो भी मैं इमाम साहब को पकड़ाऊँगा क्योंकि लोग मुझे ही देकर चले गए। लेकिन अभी इमाम साहब के पास भीड़ है इसलिए लोग वहाँ पर जा नहीं सकते थे, जो बुज़ुर्ग लोग थे उन्होंने मेरे को ही पकड़ाए हैं। तो अब दोस्तों बातचीत करने की कोशिश करेंगे इमाम साहब जिन्होंने यहाँ पर ईद की नमाज़ अदा करवाई है। अभी जिन्होंने ईद की नमाज़ अदा करवाई उनसे हम बातचीत करें इमाम साहब से। तो जनाब आज क्या कार्यक्रम था और किस प्रकार की दुआ आज आपने यहाँ पर की है? जी ऐसा है, ये रमज़ान शरीफ के महीने के बाद ईद का दिन त्यौहार जो होता है ये सभी के लिए, जितने भी देश के अंदर रहते बसते हैं सब के लिए जो है मतलब खुशी का दिन है। और खुशी का दिन इतना बड़ा खुशी का दिन है कि लोग जो है एक दूसरे से गले मिलकर अपने अपनी जो है मतलब दिलों की कदूरत को दूर करते हैं और अपने गले लगाकर एक दूसरे को अपना बनाते हैं। इसलिए ये सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लिए ऐसा अच्छा पैगाम देने वाली ईद है जिसको मतलब ईद का दिन कहते हैं। और ये रमज़ान शरीफ के महीने का जो है अल्लाह तबार जैसा कि रमज़ान शरीफ के महीने के 30 रोज़े रखे और उसके बाद उनको अजर जैसा कि अजर मिलता है, बदला मिलता है, ये आज बदले का दिन है। नमाज जो है ईद पढ़ के, नमाज़ पढ़ के और हम लोगों ने सब के लिए पूरे आलम के लोगों के लिए हमने दुआ की अमन व अमान कायम हो, आपस में भाईचारा हो और प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। और हमने यही संदेश दिया पहले भी कि भाई अपने अपने घर जाएँ और मिलजुल के रहें और एक दूसरे की छेड़खानी ना करें और प्यार मोहब्बत से रहे। तो आज इस ईद के पर्व पर क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने देश के अंदर प्यार मोहब्बत के साथ रहे। और दो साल का जैसा गैप था उसमें कैसी खुशी आप महसूस कर रहे हैं? तो वो तो लॉकडाउन सब के लिए था, जैसा कि लॉकडाउन लगा हुआ था वो सब के लिए था। और आज जो है वो लॉकडाउन नहीं है और आज जो है खुशी का दिन है और जो सब लोग आए, इतने लोगों को देखे मन बहुत खुश हो रहा है। और इसी तरीके से आइंदा भी हम इकट्ठे होंवें और अपने खुशियां मनाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे इमाम साहब जिन्होंने ईद की नमाज़ अदा करवाई है। तो दोस्तों अब आपने देख ही लिया कि किस प्रकार का एक माहौल था यहाँ पर। आज हो चुकी है, कुछ युवा हमारे साथ है, इनसे भी पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार की खुशी है दो साल के बाद इस प्रकार का मौका मिला है। कैसे? बहुत बढ़िया मौका मिला बाबूजी, बहुत खुशी हुई जी, दो साल बाद नमाज हुई और बाद हमारे भाई साहब से करो तो किस प्रकार की खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छी खुशी हो रही भाई, सारे भाई मिलजुल कर नमाज पढ़ी सबने, ईद के बार मौका मिला, बढ़िया ईद हुई, ज्यादा भीड़ हुई, बहुत बढ़िया खुशी हुई। लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे ईद के जरिए आप? भाईचारा बढ़े आपस में, ज़्यादा से ज़्यादा भाईचारा बढ़े, किसी के लोगों ना हो दुश्मनी ना हो, इसका यही मैसेज आना चाहिए। इस प्रकार की खुशी महसूस हो रही है दो साल के बाद लगभग ईदगाह में पहुंचने पर? बहुत बहुत ज़्यादा ईद की खुशी हो रही क्योंकि दो साल से अभी ईद नहीं मन रही थी और हद से ज़्यादा मतलब दिल से खुशी है। और साथी हमारे साथ हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि जिस प्रकार से दो साल का एक गैप था और आज ईद थी तो कितनी खुशी आप महसूस कर रहे हैं ईदगाह में नमाज पढ़कर? तो बताइए भाई। हमें यहाँ पे आके सिधौरा में ईदगाह में बहुत खुशी हो रही है, जैसे आपने देखा कि दो साल से यहाँ लॉकडाउन की वजह से जो है आना जाना बंद था, लेकिन अब के साल आके यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। अब आप देख लो कि सिधौरा में 2-3 मस्जिदों में भी ईद की नमाज़ पढ़ी गई, वहाँ भी ठीक भीड़ थी लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे हमें भीड़ देखने को मिली और बहुत खुशी महसूस हुई। हमारे मुसलमान भाई यहाँ आए, एक दूसरे को ईद की बधाई दी और गले लगे
बहुत खुशी हुई जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देशवासियों को? मैं सभी देशवासियों को यही कहना चाहूँगा, सभी मुसलमान भाइयों को यही बात कहना चाहूँगा सभी देशवासियों को कि आपस में प्यार प्रेम से रहें, एकता से रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत ही अच्छे विचार भाई ने प्रस्तुत किए हैं और एक मैसेज भी दिया है कि जिस प्रकार की नफरत का माहौल आज देश में तैयार किया जा रहा है उसको किस प्रकार से ख़त्म किया जा सकता है। इनका कहना है कि सभी भाइयों को ऐसे मौक़ों से एक एनर्जी मिलती है, एक टॉनिक मिलता है कि जो त्यौहार होते हैं उनको मिलजुल कर सेलिब्रेट करें ताकि जो आपस की नफरत है उसको ख़त्म किया जा सके। तो ये आज का जो प्रोग्राम था इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए और हमारा सहयोग करने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।